हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मैजिशियन हॉग। आप सभी दोस्तों को मैजिशियन हॉग यूट्यूब चैनल और आज के ये मैजिक ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, इससे पहले मैं एक वीडियो में इस मैजिक को दिखाते हुए मैंने बोला था कि भाई इस मैजिक आइटम को कौन कौन बनाना चाहता है, इस मैजिक को कौन कौन सीखना चाहता है, तो वहां पे बहुत सारे मतलब ढेरों सारे दोस्तों की ढेरों सारे कमेंट्स आया कि भाई प्लीज हमें बता दीजिए, इस मैजिक का ट्यूटोरियल डाल दीजिए कि ये मैजिक कैसे करते हैं और इस आइटम को हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्त, इस आइटम को मैंने घर पे ही अपने हाथों से ही बनाया है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले उस दिन जिसने इस मैजिक को नहीं देखा तो इस वीडियो में इस मैजिक को देख लो, फिर चलेंगे इस मैजिक की आइटम के ऊपर कि ये आइटम आप घर पर कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से इस मैजिक को आप दिखा सकते हैं कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में, स्टेज शो पर। तो दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रुमाल है, एक रेड कलर के है और एक ग्रीन कलर के है और एक येलो कलर के है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रेड कलर को हम बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से हम इस साइड से इस रुमाल को हम डाल रहे हैं आपके आंखों के सामने, जो कि आप दिख पा रहे हैं। आपने देख लिया ये रेड कलर आ चुका है यहाँ पे, तो ये ग्रीन कलर भी हम इस साइड से हम दे रहे हैं जो कि आपके आंखों के सामने। ये भी आप एक बार क्लियर करके देख लीजिए। तो यहाँ पे ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है, तो दोनों को हम ऐसे पोजीशन पे हम रख देते हैं आप, ताकि क्लियर देख पाए। तो ये रुमाल बिल्कुल ऐसा है और ये जो रुमाल है इसको हम इसके बीच में ऐसे बांधेंगे, यहाँ पे बांधेंगे, पर इस तरीके से नहीं बांधेंगे, हम इसको मैजिक से यानी जादू से बांधेंगे। वो कैसे, देखिए मेरे पास एक गैजेट पेपर है जो कि एक नॉर्मल पेपर है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम एक बार इस तरीके से यहां पे इसको फोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं, दिखता है ठीक होता है या नहीं होता है। तो नीचे की ओर थोड़ा खराब है, तो हमारे पास एक जादुई छड़ी है, तो इससे हम इसको ऐसे इस तरीके से हम इसको ठीक कर रहे हैं। तो दोस्त, हमने इसको ठीक कर दिया है। तो अभी इस रुमाल को आपके आंखों के सामने हम यहां रख रहे हैं, यहां पे इस गैजेट पेपर की फोल्ड के ऊपर में है। तो हम यहां पे इस जादुई छड़ी से आपके आंखों के सामने इसको इसके अंदर में डाल देते हैं। तो डाल देने के बाद उस यहां पे मैजिक करता है। मैजिक करते ही दोस्त यहां से हो जाता है रुमाल गायब, यहां पे गायब हो चुका है। अगर आप कहे खुल के दिखा है तो हम खुल के भी दिखा रहे हैं, आपके आंखों के सामने है, यहां से गायब हो चुका है, इस तरफ भी नहीं है। अगर आप कहे इसको फाड़ के दिखाइए तो हम इसको फाड़ के भी दिखा रहे हैं, यहां से रुमाल हो चुका है गायब, यहां पे रुमाल है नहीं। मतलब रुमाल आ चुका है दोस्त, ये है रुमाल, ये जो है ना ये येलो कलर के है, ये रेड कलर और ये है ग्रीन, यानी यहां पे बंधा हुआ है, नहीं दिख रहा है। अरे भाई ये है नहीं है, चलो तो फिर आपका नजर बंद हो चुका है। आपका नजर खोलने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होना चाहिए। तो धमाका, ये तो घर है, यहाँ तो कोई पटाखा वगैरह हम फोड़ नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं दोस्त, यहाँ पे एक बेलून फोड़ लेते हैं और उसी की आवाज से आपका नजर खुल जाएगा और आराम से आप ये येलो कलर का जो बेलून मतलब रुमाल है इसको आप देख पाएंगे। ये है येलो, नहीं दिख रहा है ना, तो चलो हम बेलून को पहले हवा डाल लेते हैं। देखिए मेरे पास एक नॉर्मल सा बेलून है, इस पे मैं हवा भर रहा हूं, तो मैंने इस पे हवा डाल दिया है। हवा डालने के बाद दोस्त यहां पे हम एक गांठ लगा देते हैं और इसको फोड़ देते हैं। तो फोड़ कैसे देंगे, हम बिल्कुल ऐसे फोड़ेंगे इस तरीके से, रेडी। अरे नहीं, ऐसे नहीं फोड़ेंगे हम, ऐसा करते हैं इसको इसके अंदर में इस तरीके से हम यहां पे डाल देते हैं ताकि यहां पे आप क्लियर देख पाए। ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये है यहां पे बेलून। तो बेलून जो है बिल्कुल हल्का तरीके से, अरे यार रुको, हल्का तरीके से यहां पे है बेलून। मैं सबसे पहले आपको एक बार इस चीज से फोड़ के दिखाता हूं। तो रेडी, आप तैयार है आंखें खोलने के लिए, रेडी, 1 2 एंड गाइस 3। तो देख सकते हैं अभी फिलहाल आपके आंखों में ये येलो कलर का रुमाल देख रहा है, ये बेलून हमने फोड़ दिया है। अभी आप देखिए इस साइड में भी बांधा हुआ है, इस साइड में भी बांधा हुआ है, दोनों साइड बांधा हुआ ही है येलो कलर, आप क्लियर तरीके से आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसको ऊपर उठा के
इस तरीके से अगर हम दिखाएंगे तो फिर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे येलो कलर का रुमाल बंधा हुआ है। अगर हम इस साइड से भी दिखाएं तब भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे येलो कलर बंधा हुआ है, ग्रीन कलर यहाँ पे लटका हुआ है। तो दोस्त ये मैजिक कैसे करते हैं और इस आइटम को आप कैसे घर पर बना सकते हैं, चलते हैं इस मैजिक की ट्यूटोरियल की ओर। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कौन से साइज का और कौन से प्रोसेसिंग पे ये आइटम घर पे तैयार होता है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के अंदर। तो चले ट्यूटोरियल की ओर। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि मैंने एक घर का ही पुराना वाला लकड़ी ले लिया है। तो इसका जो लंबाई है दोस्त, हम आपको अगर बताए तो इसका लंबाई है करीब 5 फीट है। यह है इसकी लंबाई, 5 फीट से 1 इंच कम है। और इसका जो चौड़ाई है दोस्त, अगर इसको हम बताएं तो इसका चौड़ाई है 5 इंच। ये देखिए 5 इंच है इसकी चौड़ाई। और इसका जो मोटा है ये आधा इंच है, हाफ इंच है इसकी मोटा। और इससे बनाने वाला है वो जो रुमाल का नजरबंद वाला मैजिक बॉक्स, उसको बनाएंगे। पर यहाँ पे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर कहीं पे आपने गड़बड़ कर दिया है तो आपका जो आइटम है ये परफेक्ट आइटम नहीं बनेगा, हो सकता है कि आपका मेहनत जो है ये बेकार चला जाए। इसीलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप करे देखें और ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। और मैं इसको अभी काटने वाला हूं, कौन से साइज का कैसे काटना पड़ेगा मैं आगे बता रहा हूं। दोस्त यहां पे हमें 4 पीस लकड़ी का टुकड़ा लेना है और 9-9 इंची की 2 पीस लेना है। एक ले लिया, अब ये भी 9 इंची है, और लेना है हमें 13-13 इंची करके 2 पीस। ये 13 इंची है और ये भी 13 इंची है। तो अभी ये जो चारों पीस है दोस्त, इसको हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, ताकि मैजिक के आइटम के लिए ये एकदम परफेक्ट हो जाए और तैयार हो जाए एकदम क्लीन होके। आप देख सकते हैं कि हमने इसको एकदम पूरी तरीके से क्लीन कर चुके हैं, एकदम साफ कर चुके हैं। तो ये है 9 इंची की 2 और ये है 12 इंची की 2। तो इसमें देखो, इसमें एक गैप बनाना है। तो इसमें जो गैप बनाएंगे तो कौन से लकड़ी का साइज से बनाएंगे, इसमें इस लकड़ी का साइज का एक गैप बनाएंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे काटेंगे, गैप में जितना आ जाएगा उतना रखेंगे और बाकी इसको काट के फेंकेंगे। ये बहुत ही पतला है, आप देख सकते हैं कि 1 से 2 फिर भी पतला है। तो पतला वाला जो लकड़ी है उसको लेना है 2 पीस इस टाइप के। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे गैप बना लेते हैं, फिर चलते हैं कि इसको फिटिंग कैसे होगा। इस तरीके से आपको एक गैप बनाना है, बिल्कुल दोनों को, दोनों साइड में जो रहेगा बिल्कुल इस तरीके से गैप बनाना है। और नीचे की ओर, ये नीचे के साइड होगा, कम से कम 1 इंच से ऊपर रखें और ऊपर आपको ये लकड़ी की बराबर से ही आपको काटना है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये बॉक्स बनने वाला है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको ऊपर से लेके यहां तक काटना है, 1 इंची नीचे की ओर सोड़ के। तो दोस्त हमने यहाँ पे गैप बना लिया है, आप देख सकते हैं हमने एकदम क्लीन करके दोनों पे गैप बना लिया है। और जो दोस्त ये है, ये निचले साइड है और ये ऊपर वाला साइड है। तो नीचे जो साइड है इस पे कम से कम 1 इंच आपको रखना ही रखना है और ऊपर जो होगा वो लकड़ी के हिसाब से आप रखें। इस पे आपको जो टुकड़ा होगा, हमने इसको इस तरीके से राउंड करके नीचे की ओर राउंड कर दिया और ऊपर में एकदम प्लेन है। तो यहाँ पे जब हम रखते हैं तो ये थोड़ा बहुत लूज, ऊपर थोड़ा बहुत जगह खाली रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नीचे ऐसे बैठेगा ये। तो यहाँ पे ये ऐसे बैठेगा और ये भी यहाँ पे लूज है, थोड़ा बहुत लूज है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है और ऊपर का जो साइड होगा उस पर भी आपको एक गैप बनाना है। देखिए इसका जो मेन गैप है ये बीच में है और दोनों साइड की ओर जो है ये जस्ट स्लोपिंग है और मेन गैप जो है ये बीच में है, ये ऊपर में रहेगा और नीचे कुछ नहीं रहे, मतलब नीचे का कोई काम नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। दोस्त मैं यहाँ पे और एक चीज आपको एकदम क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 लकड़ी लेना है जो कि ये इसका लंबाई जो है 13 इंची है, 13 इंच है, और मतलब इसका जो चौड़ाई है 5 इंच है। फिर भी आप किसी भी साइज का बना सकते हैं, मैं जिस साइज का आपको बना के दिखा रहा हूँ बिल्कुल इस साइज के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो है ये 9 इंची है और ये 9 इंची, ये 5 इंची, इसके हिसाब से आप बीच में जो पीस लग रहा है इसके हिसाब से ये पीस होगा। बिल्कुल इस तरीके से आपको और 2 पीस, जो कि ये बहुत ही पतला है, ये पतला वाला पीस आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि ये देखने में एकदम बराबर हो जाता है, इसके अंदर में चला जाता है। और ये होगा फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या सेटिंग है, अभी फिटिंग करने का बारी है, तो हम फिटिंग करके फिर से आपको एक बार क्लियर तरीके से समझा देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस पे खिले ठोक के दो छोटा छोटा होल कर चुका है और उस सुराग में से हमने इस धागा को पार किया है, आर पार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दोस्त यहाँ पे अगर आप बड़ा वाला साइज का बना रहे हैं तो वहां पे आप ये वाला लगा सकते हैं, छोटा वाला पे ये सोलो बहुत स्लो काम करता है, नहीं चलता है, बहुत धीरे से आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्त धागा फिटिंग कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर हमने छोटा छोटा दो खिले ठोक दिया है, यहाँ पे एक दो, और इसको बिल्कुल नीचा कर दिया है, मतलब अंदर की ओर ही पूरा दबा दिया है, और इसी पे हम धागा फंसाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से हम धागा फंसा के इसको टाइट कर देंगे यहाँ पूरी तरीके से, और इस साइड वाला भी बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे धागा फंसा के टाइट कर देंगे, और ये बहुत ही फर्स्ट काम करता है। तो ये ऐसा बन चुका है, अभी पीछे से आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक गांठ लगाना है और बिल्कुल इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, जो कि ये बहुत ही अच्छा फास्ट काम करता है। देखो दोस्त अगर कोई भी चीज हम अच्छे से अगर आपको ना समझाएं, आप भी समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आइटम की बात है, वो भी मैजिक आइटम, अगर कहीं पे भी आप थोड़ा बहुत गलती कर देंगे तो ये आइटम जो है परफेक्ट आइटम नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से इसको आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे और एक चीज है, मैंने इसको फिट कर दिया है, इस तरीके से हमने बांध के इसको फिट कर दिया है, ये ऊपर की ओर जब आएंगे तो बिल्कुल ऐसा आएंगे, जब ये छोड़ा जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और इसको अगर हिलाएंगे तो फिर भी ये नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है कि जो मोबाइल का जो स्पीकर है उसका मैग्नेट हमने यहाँ पे एक लगा दिया है, और इस साइड में उसका ढक्कन लगा दिया, मैग्नेट का ही जो आता है उसमें रहता है उसी का ढक्कन यहाँ पे लगा दिया है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। बस ये अगर हिलाएंगे तो फिर भी नहीं आएगा, अगर इसको हम पकड़ के अगर हिलाएंगे, यहाँ मैग्नेट नहीं फिट किया है तो ये हिल जाएगा, ऐसे हिल जाएगा, हो सकता है कि ऐसा मैजिक दिखाने के समय थोड़ा बहुत ऐसा रहे, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेट लगाना भी बहुत ही जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा चुका हूँ। तो दोस्त आगे फिटिंग हम इसको कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसका बाकी प्रोसेसिंग क्या है और क्या क्या चीज आगे जरूरत पड़ेगा। तो दोस्त हमने इसको फिटिंग कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से फिटिंग हो चुका है, तो इसमें हम कई चीज आपको बताएंगे कि इसमें होगा क्या और कैसे होगा। तो खास करके इसका साइज देख लो, इसका साइज जो है फिर से एक बार देख लो ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये 14 इंची बन चुका है, इसीलिए 14 इंची बन चुका है, पहले जो 13 इंची था हमने इसके अंदर में डाला है, लंबा वाला अंदर में डाला है, मतलब इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है ये 9 इंची रहा है, 9 इंची के अंदर में ही इसको हमने बनाया, तो इस तरीके से बना है। अभी दो काम बाकी है यहाँ पे सुराख करना है इस साइड में, और इसमें एक चाबी लगाना है, और ऊपर से बीट लगाना है दोनों ओर, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो सबसे पहले हम बीट लगाते हैं और यहाँ पे सुराख करते हैं। तो दोस्त ये बिल्कुल बन चुका है, ये है इसकी फ्रंट साइड और ये है इसकी बैक साइड। तो यहाँ पे एक काम बाकी है, चाबी बनाना, मैं चाबी बना के आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं एक चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो सुराख है दोस्त, यहाँ पे एक सुराख है, यहाँ पे भी एक सुराख है, तो बिल्कुल एक ही हिसाब से ये दोनों सुराख को करना पड़ेगा। और ये जो अंदर में जो प्लेट है, इस प्लेट के साथ ये सुराख बिल्कुल मैच करना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। देखिए इसको मैंने अगर आर पार कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि ये आर पार हो चुका है, बिल्कुल इस साइड में भी ऐसा है और इस साइड में भी बिल्कुल ऐसा है। इसी सुराख के अंदर में आपको ये तीन रुमाल जो है गांठ बंधा हुआ है, इसको इसके अंदर में यहाँ पे फिट करना है, मतलब इस कोने को इसके अंदर में डाल के जहां तक ये दोनों साइड पे टाइट हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से देखें, वहां तक रख के बाकी हिस्से को काट के और उस जगह पे कुछ ग्लू या गम उसको लगा के चिपका देना है, ताकि वो ना खुले, और ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत लूज होके ऐसे रहना चाहिए। तो दोस्त ये अभी फिलहाल कलर करना बाकी है, बाकी सारा काम यहाँ पे कर लिया गया है। आपको मैं रुमाल कैसे बांधना है वो तो बता दिया, पर यहाँ पे पीछे की ओर देखो दोस्त, यहाँ पे काटा हुआ है, मतलब रुमाल उतना दूर है नहीं, यहाँ पे काटा हुआ है, ये देखिए, बस यहाँ पे काट के हमने ग्लू लगा दिया है, और इस साइड में भी सेम कंडीशन है, इस साइड में भी सेम कंडीशन है। तो दोनों को यहाँ पे ऐसे उठाता है, इस तरीके से उठाने के बाद दोस्त इसको रखते हैं ऊपर, इस तरीके से ऊपर की ओर, जब इसको सेटिंग करना होता है ऐसे ऊपर की ओर इसको छुपा देते हैं। छुपाने के बाद यह है इसकी चाबी, तो चाबी कहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ पे एक सुराख आप देख रहे हैं, ये जो सुराख है दोस्त, इससे ये चाबी पूरा को अंदर को देखे देते हुए सामने की ओर देखो, यहाँ पे एक
छोटा सा होल है, इस होल तक वो सुराग मतलब ये चाबी लेके आता है और यहाँ पे कर देता है ये फिटिंग। तो ये फिटिंग हो चुका है, ऐसा रहता है, छुपा हुआ रहता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे करता है रुमाल को एक दूसरे के अंदर, मतलब इस कलर से हमेशा इसको डिफरेंस कलर लेना लेने से देखने में अमेजिंग होता है। तो बिल्कुल इस तरीके से रुमाल को यहाँ से अंदर को डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ये आ चुका है यहाँ तक। इसको भी इस साइड से बिल्कुल उसी तरह से इस रुमाल को भी इसके अंदर में ऐसे डाल देते हैं, यहाँ तक दिखा देते हैं। दिखाने का बाद दोस्त क्या करता है, यहाँ पे लगा देता है बेलून, मतलब तीसरा जो छोटा वाला रुमाल होता है उसको लगाने का यहाँ ड्रामा करता है और कुछ जादुई सरी से उसको गायब करता है। उसका ट्यूटोरियल आ रहा है नेक्स्ट वीडियो पे, उसको भी देख लीजिएगा रुमाल कैसे गायब करता है। और वो जो जादुई छड़ी होता है वो बहुत सारे ट्रिकों में काम आता है। तो फिलहाल इस ट्रिक के बारे में हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे रुमाल गायब हो चुका है उस छड़ी से और बोलता है देखिए भाई यहाँ पे हम बेलून लगाएंगे, आपका नजरबंद तोड़ेंगे धमाका देकर। उसके बाद जब यहाँ पे बेलून लगा देता है, बेलून लगाने के बाद पीछे से इस चाबी को देता है ऐसे खोल के इसको साइड में कर देता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बेलून है, बेलून ऐसे इसको सदा हुआ रहता है। जैसे बेलून यहाँ पे फोड़ देता है बिल्कुल इस तरीके से, बेलून फोड़ते ही ये दोनों नीचे आ जाता है, यानी दोनों साइड पे जाके ये चिपक जाता है बिल्कुल ऐसे। जैसे ये चिपक चुका है आप देख सकते हैं, चिपक चुका है। आप ये ऐसा करेंगे फिर भी नहीं आएगा, ऐसा करेंगे फिर भी नहीं, मतलब ये अभी देख रहा है कि रुमाल यहाँ पे बंधा हुआ है जो कि यहाँ पे ऐसा दिखता है। तो दोस्त ये मैजिक ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखे, और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो कर देना एक लाइक। और जो भी नया दोस्त आया है, अगर आप इस तरीके की मैजिक की आइटम की इंटरेस्टेड है, मैजिक देखना सीखना आइटम बनाना, तो दोस्त प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ताकि ऐसे ही आइटम बराबर आप देख पाए, बराबर आप बना पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।